الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے کی باری تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو، ہمارے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. آج کے خطبے میں ہم اپنے نبی کے آخری لمحات، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے جو آخری ایام تھے، آخری حالات تھے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد روئے زمین کے اندر اگر کوئی ہستی ہے، اللہ کے بعد زمین کے اندر جو سب سے بڑی ہستی جس کو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. انسان اپنی زندگی کے اس پٹری کے اوپر سوار ہے، اس گاڑی کے اوپر سوار ہے جو گاڑی اسے قبر تک پہنچانے والی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ کوئی انسان اس منزل تک پہلے پہنچ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آدمی جوان ہی میں چلا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپنے ہی میں اس منزل کو پہنچ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی بھی دیکھتا ہے، بڑھاپے کو بھی پہنچتا ہے اور بڑھاپے کی زندگی کو پار کرنے کے بعد اس منزل کو پہنچتا ہے. یہ سمجھ لو کہ ہر کسی کو موت آنی ہے. اگر موت نہیں آتی
तो हमारे नबी और हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आती। इतनी बड़ी हस्ती कायनात ने नहीं देखा, इतनी बड़ी हस्ती अगर रास्ते में चले तो दरख्त और पत्थर उनको सलाम करें, इतनी बड़ी हस्ती कि जिस शहर में चले जाएं उस शहर को हाजल बलदुल अमीन, बलदुल अमीन का शहर बना दिया जाए। इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन मेरे भाइयों मौत एक अटल हकीकत है, एक सच्चाई है, किसी को इस मौत से छुटकारा नहीं है, कोई इस मौत से बच नहीं सकता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आलिम हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े पैसे वाले हो, लेकिन मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। हमारे नबी और हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी हालात को जरा देखो और उससे अंदाजा लगाओ। जब हमारे नबी इस दुनिया से जा सकते हैं तो हम और आप भी इस दुनिया से एक न एक दिन जरूर जाएंगे। हाँ, आज कल परसों, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, चार साल, दस बीस साल के बाद ही सही, लेकिन हर किसी को मौत के घाट उतर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर किसी को फना होना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, वरना दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हर किसी को फना होना है, हर किसी को खत्म होना है, हर किसी को मरना है, हर किसी को दुनिया से जाना है। यही सच्चाई। मेरे नबी दुनिया में आए, 40 साल के बाद आपको रिसालत मिली, नबूवत मिली। नबी को जब रिसालत मिली, नबी ने मक्का के अंदर दावत दी, मक्का से बाहर निकले, मदीना के अंदर दावत दी, ताइफ तक गए और भी जगहों में जाकर के आपने दावत दी। जब ये दावत का सिलसिला कंटिन्यू ये 63 साल तक चलता रहा, यानी नबी अकरम जब 63 साल के हुए और जब कुरान की आयत नाज़िल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस्लाम को कंप्लीट कर दिया, हमने दीन इस्लाम को पूरा कर दिया, जिस मिशन के लिए और जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने आपको पैदा किया था और आपको हमने भेजा दिया, वो काम पूरा हो चुका है और हम दीन इस्लाम से राजी हो चुके हैं। नबी अकरम को एहसास हो गया अब इस्लाम तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे यहाँ रहने से कोई मकसद ही न रहा, अब मुझे अल्लाह ताला दुनिया में बाकी नहीं रखेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए मुझे भेजा था वो मकसद तो पूरा हो गया। नबी अकरम आखिरी हज कर रहे हैं, नबी अकरम हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा कराम को खिताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, एक नहीं सवा लाख के मजमे को आप खिताब करते हुए कह रहे हैं, आए मेरे सहाबियों, मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, क्या तुम इस बात की गवाही दोगे जब अल्लाह ताला कल कयामत के दिन तुमसे सवाल करेगा, क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हारे सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, क्या तुम अल्लाह के सामने जवाब दोगे? सहाबा किराम ने एक ज़बान में कहा था, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? कालू, उन लोगों ने, कद बल्लगता व अदैता व नज़ाता, अल्लाह के नबी, आपने अपना हक अदा कर दिया है, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, हम इस बात की गवाही देंगे अल्लाह के सामने। नबी अकरम ने नजरें आसमान की तरफ उठाई, अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और आसमान की तरफ उठाने के बाद अल्लाह के नबी ने तीन मर्तबा ये जुमला फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद,
तू गवाह रहना, आए अल्लाह तू गवाह रहना, आए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरी बात और तेरा पैगाम मैंने बंदों तक पहुंचा दिया है, मैंने अपनी उम्मतियों तक पहुंचा दिया है। नबी अकरम उसी हज के मौके पे अपने सहाबा कराम को जगह जगह पे ये फरमा रहे थे। नबी को एहसास हो गया था कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। नबी अकरम अपने सहाबा से जगह जगह में ये कह रहे थे, खुजू अन्नी मनासिककुम, ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज की बातें सीख लो, हज के अरकान अच्छे से सीख लो। लाली आई मेरे साहबा लाल लीला रा कुंबादामी कुम्हाजा, आई मेरे साहबा पता नहीं इसके बाद मेरी जिंदगी रहेगी या नहीं न रहे, पता नहीं मैं मक्का के अंदर दोबारा आ सकूं या ना सकूं, दोबारा तुमसे मुलाकात हो या ना हो। आई मेरे साहबा मुझसे हज के अरकान अच्छी तरीके से सीख लो। नबी अकरम को पता चल गया था, एहसास हो गया था कि अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका, अब मैं दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है और यह हज का महीना चल रहा है। हज के दो ढाई महीने के बाद, हज के बाद मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल का महीना तो आता ही है, दो ढाई महीने के बाद इतने ही साल तक, इतने ही महीने तक आप जिंदा रहे, उसी हज के मौके पे लोगों से कह रहे हैं, लोगों पता नहीं अब मेरी मुलाकात तुमसे हो गई या नहीं, ये मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए हज के अरकान मुझसे अच्छी तरीके से सीख लो। यही चंद महीने पहले, अपनी वफात से चंद महीने पहले इमाम कायनात हजरत मुआज़ इब्ने जबल को यमन की तरफ भेज रहे हैं, यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें आपने फरमाई मुआज़ इब्ने जबल को। लास्ट में आपने फरमाया, या मुआज़ इन्नका ऐ माज असल्ला तलकानी बादामी हाजा, ऐ माज पता नहीं तुम यहाँ पे आओ इस साल के बाद आइंदा साल मुझसे मुलाकात हो या ना हो। ऐ माज कोई गारंटी नहीं है आइंदा साल तुम जब मदीना के अंदर रहोगे मुझसे मुलाकात होगी या ना होगी। वला अल्लाह का तमुर्रा बे मस्जिदी हाजा व कबरी, पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, हो सकता तुमको मेरी मस्जिद से गुजरना पड़े, मस्जिद नबी में तुम आओ और मुझको ना देखो, ये भी हो सकता है तुमसे मेरी मुलाकात ना होगी। व तमुर्रा कबरी, और मेरी कबर से तुम्हें गुजरना पड़े, मेरे कबर के पास तो नहीं आना पड़े, यानी मैं दुनिया के अंदर पता नहीं बाकी रहूंगा कि नहीं। आई मास पता नहीं, मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया था, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया था कि भाई जब इस्लाम का पैगाम कंप्लीट हो गया है तब आपको दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है। हजरत मुआज़ बिन जबल ने ये जब सुना, फबका मुआज़, हजरत मुआज़ ज़ारो क़तार रोने लगे, जो अपने नबी से मोहब्बत करता हो नबी की जुदाई में रोने लगे, क्या अल्लाह के नबी आपसे मुझे जुदा होना पड़ेगा, ऐ अल्लाह के नबी हम आपसे जुदा हो जाएंगे, अल्लाह के नबी हम कैसे रह पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मास ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो दुनिया के अंदर रहना, इत्तकिल्ला हाइसुमा कुंता, ऐ मास तुम कहीं रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना, मेरे करीब सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, जो ज्यादा दीनदार होंगे, जो ज्यादा परहेजगार होंगे, जो लोगों के सामने भी डरते होंगे, जो तन्हाइयों में भी डरते होंगे, मेरे करीब वही लोग ज्यादातर होंगे। आई मास कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे मुलाकात हो या ना हो, मस्जिद नबवी में आओ, मेरी कब्र में आओ, ये तो होना ही है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों नबी अकरम को एहसास हो गया था कि अब मैं दुनिया में जाने वाला हूं। नबी अकरम का वो दिन भी आया, 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाने वालों झंडियां लगा करके नबी की आमद मरहबा और नबी की आमद में मरहबा के नारे लगाने वालों कठमुल्लाओं और वो कम पढ़े लिखे मौलवियों, अपने पेट के भरने वालों, जहन्नम को भरने वालों,
कट मुल्ला जरा नबी के उस दिन के मंजर को जरा कम से कम अपने जहन में डाल लो। तो मेरे भाई तुम केक न काटो, तुम जश्न न मनाओ, तुम बाकायदा तुम डांसर और डीजे न लगाओ। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात से चंद दिन पहले के मंजर जरा देखिए। 29 सफर है, 29 सफर पर अल्लाह के नबी किसी कब्रिस्तान जनाजे में गए और आपने जनाजे के नमाज पढ़ी, और पढ़ने के बाद जब आप वापस घर आए अपने बीवी से कहने लगे, आए आयशा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हजरत आयशा भी कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे सर में भी दर्द है। नबी ने फरमाया, आयशा तुम्हें मालूम नहीं है मुझे जितना दर्द है उतना तुम्हें दर्द नहीं है। आए आयशा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नबी अकरम कह रहे हैं मरजुल मौत के अंदर अल्लाह के नबी मुब्तला है, वो मौत का मरहला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आखिरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए, और इतना बीमार पड़े जुमरात का दिन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं, अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, उनकी प्यारी बेटी छोटी बेटी हजरती फातिमा मुलाकात करने के लिए आती हैं। चलो अब्बू जान से मैं मुलाकात कर लूँ, मेरे अब्बू कैसे हैं, मेरे अब्बू किस हाल में। जब नबी अकरम को उस हाल में देखते हैं जो नबी अपनी बेटी की आमद पर खड़े होकर के अपनी बेटी को गले लगा लिया करते थे, अपने बेटी को गले लगा लिया करते थे, प्यार किया करते थे, वो नबी अब अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, इतना कमजोर है। हजरत फातिमा की जबान से यह आवाज निकलती है, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा, आई मेरी बेटी फातिमा, लैसा ला अभी के करमन बाद लियोम, आज के बाद तेरे अब्बू को कोई तकलीफ नहीं होगी, अब इसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मौत का मरहला है, इसके अंदर तकलीफें हुआ करती है, आई मेरी बेटी अब इसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा आराम मिला, आप नमाज पढ़ाने के लिए मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए लोगों के बीच में पहुंचते हैं, आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, जुमरात दिन है, आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ा करके जब घर के अंदर निकल गए, अपने हुजरे में गए, फिर आप बिस्तर के अंदर लेट गए, आपको तकलीफ बढ़ गई, आपके अंदर गशी तारी हो गई, बेहोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती है, सबसे पहले अल्लाह के नबी यही सवाल करते हैं, आए आयशा, आए मेरी बीवियों जरा ये बताओ, असलन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली है, इशा की नमाज पढ़ ली है। अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया, हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आपका लोग इंतजार कर रहे हैं, आप जाएंगे नमाज पढ़ाएंगे, लोग नमाज पढ़ेंगे। नबी अकरम ने उठने की कोशिश की, फिर अल्लाह के नबी गिर गए, फिर अल्लाह के नबी गिर गए, नमाज नहीं पढ़ा पा रहे, बिस्तर के ऊपर गिरे, फिर बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको फिर होश आया, फिर आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली। जवाब यही मिला, हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी लोग आप इंतजार कर रहे हैं। ये सुनना था कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने के लिए उठते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के ऊपर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर आपको होश आया, फिर आपने यही सवाल किया, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली है। बताया गया, नहीं अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है। लोग अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, इंतजार में बैठे हुए, चिल्ला चीखे कुछ नहीं, आने वाले अपने नबी, नबी का दीदार कर लेंगे, नबी का दीदार कर लेंगे, इंतजार कर रहे हैं। नबी अकरम फिर उठने की कोशिश की, उठ नहीं पा रहे। नबी ने फरमाया, पुरू आई लोगो, आई मेरी बीवियो, अबा बकरिन, अबू बकर को कहो, युसल्ली बिन्नास, लोगों को नमाम इमामत कराए, लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो नमाज पढ़ा सके, वो लोगों की इमामत करा सके, अब इतनी ताकत नहीं है। ये जुमरात का दिन, जुमरात की रात शुरू, जुमरात का दिन है, जुम्मा की रात शुरू हो चुकी है। मेरे भाई, जो नबी अकरम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, लेकिन उसके बाद अपना
नमाज नहीं पढ़ा सके, आप जुम्मा के दिन भी बाहियात रहे, शनिचर के दिन भी रहे, इतवार के दिन भी रहे, सोमवार के दिन मगरिब फजर के बाद आपका इंतकाल होता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा बीमार हैं, इतने ज्यादा तकलीफ के अंदर मुब्तला है, इतने ज्यादा तकलीफ के अंदर मुब्तला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पानी ला करके दो। पानी लाया गया, पानी सामने रखा गया, अल्लाह के नबी अपना हाथ उस मुश्किजे के अंदर रखते हैं, उस प्याले के अंदर डालते हैं और पानी को लेकर के अपने चेहरे के ऊपर बलते हैं और कहते हैं ला इला इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को अपने चेहरे के ऊपर डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी की हालत ये है, मेरे नबी की हालत ये है। फिर ने मेरे नबी की जबान चलने लगी। हजरत आयशा कहती है कि मैंने कान लगा करके सुना कि मेरे नबी क्या कह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे फरमा रहे थे लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखजु कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद इत्तखजु कुबूर अंबियाहिम मसाजिद। अल्लाह ताला लानत करे यहूदियों के ऊपर, अल्लाह ताला लानत करे नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। उन्होंने अपने कब्रों को, अपने अपने नबी की कब्रों को चूमने और चाटने की जगह बना लिया था। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर लानत करे, यहूदियों के ऊपर, नसारा के ऊपर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौके, अपनी जिंदगी में फरमाया था लोगों ला तजाल कब्री वसनयुबद, ला तजाल कब्री वसनयुबद, ला तजाल कब्री वसनयुबद। लोगों, मेरी कब्र को तुम चूमने और चाटने की जगह ना बना लेना, मेरी कब्र के पास करके मांगना नहीं, मेरे कब्र को तुम सजदागाह बना मत लेना। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मैं कोई अल्लाह नहीं हूं। आखिरी वक्त में है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा को करीब किया। नबी अकरम ने आखिरी बेटी है, बाप भी सामने, सैयदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, नबी की सबसे प्यारी और लाडली बेटी सामने है। आपने करीब किया और करीब करने के बाद आपने उसके कान में कुछ फरमाया। हजरत फातिमा ने जब यह सुना तो हजरत फातिमा जारो कतार रोने लगी, इतना ज्यादा रोने लगी। नबी अकरम ने फिर इशारे से अपने करीब किया और फिर आपने उनके कान में, हजरत फातिमा के कान में कुछ कहा। हजरत फातिमा हंसने लगी। हजरत आयशा कहती बेटी जरा ये बताओ नबी ने क्या कहा, तुम हंसने लगी थी, फिर नबी ने कुछ फरमाया, फिर तुम रोने, फिर पहले तुम तो रोने लगी, फिर तुम हंसने लगी। हजरत फातिमा कहती ये नबी का राज है, ये मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, ये बात मैं बताऊंगी। मेरे भाइयों, फिर धीरे धीरे फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद नबी अकरम फजर के नमाज के वक्त जरा आपको थोड़ा सा इफाका हुआ, थोड़ी सी ताकत आई, बिस्तर से उठे। फजर के वक्त आप देख रहे हैं सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, मुस्कुराने लगे कि वाह जो मैं करके जा रहा हूँ मेरे सहाबा वो काम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। नबी अकरम फिर बिस्तर में चले जाते हैं और बिस्तर में जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बीमारी के अंदर है, बिस्तर के अंदर, बस मौत के आगोश में आने वाला है, मौत उनके पास, उनका जिस्म से रूह का संसरी से प्रवास करने वाली है। नबी अकरम की नजरें आसमान की तरफ उड़ जाती है, हाथ अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये दुआ पढ़ने लगे माल्लज़ीना नाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह मुझे नेक लोगों में से शामिल करना, मुझे सालिहीन में, सिद्दीकीन में और नबियों में अल्लाह मुझे साल में मुझे शामिल करना। अल्लाहुम्मा गफिर ली वरहमनी, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर रहम फरमा। ये कौन दुआ मांग रहे? नबियों के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलल्लाह दुआ मांग रहे आखिरी वक्त में, कह रहे अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा गफिर ली,
अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह मुझे रहम फरमा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऊपर है और ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल लाला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल लाला। ये कहना था कि आपके जिस्म से रूह निकल जाती है, आपका हाथ धीरे धीरे जमीन के ऊपर गिर जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, मेरे नबी इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। मदीना के अंदर तारीकी आ गई, मदीना के अंदर लोग गमगीन हो गए। हजरत फातिमा कहती हैं कि इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी तकलीफ मुझे पहुंची, अगर ये तकलीफ अगर किसी पहाड़ के ऊपर गिरा दी जाती तो वो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। इतनी तकलीफ मुझे पहुंची थी, इतनी तकलीफ सहाबा को पहुंची थी। मेरे भाइयों, सहाबा कराम तो गमगीन हो गए, रोने लगे, और जो खड़े थे वो खड़े थे, जो बैठे थे वो बैठे थे, हिलने की और बोलने की ताकत नहीं है, क्या करें। नबी अकरम अब दुनिया से चले गए हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम तो चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक उसे दरमियान नबी के जिस्म मुबारक को देख लेने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर आए, लोग जमाए। हजरत अबू बकर ने उस वक्त कुरान की आयत पढ़ करके लोगों को बताया, वमा मुहम्मद रसूल قد خلق من قبله الرسل। ऐ लोगो, तुम्हें ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद एक रसूल थे, हमारे नबी एक रसूल थे, रसूलों की तरह एक रसूल थे। अगर तुम्हारे रसूल चले जाएं, इंतकाल कर जाएं या शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम अपने दीन से पलट जाओगे। और सुनो, मन कान याबुदु मोहम्मद फइन्न मोहम्मदन कद मात, व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता था, याद रखो मोहम्मद का इंतकाल हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा, उस अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, लोग कुरान की आयत को सुन लेने के बाद और खुतबा सुन लेने के बाद लोगों को होश आया कि हाँ, अल्लाह के नबी का भी इंतकाल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने नबी के वफात सुन लेने के बाद, अपने नबी का इंतकाल सुन लेने के बाद, अगर इंसान ये समझता है कि दुनिया में वो हमेशा रहेगा, मौज मस्ती करने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, डंडी मारने वालों, चोरी करने वालों, जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों, अपने अपने बलबूते का लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रचार करने वालों, कभी तुम अपने नबी की वफात का भी कभी तुम जिक्र कर लिया करो, वफात को भी याद कर लिया करो। जब हमारे नबी दुनिया से जाते हैं तो तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है। ऐ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर किसी को बाकी नहीं रहना है, हर किसी को मरना है। मरने से पहले दुनिया के अंदर अच्छी तैयारी कर लो, अच्छे आमाल कर लो, नमाज पढ़ लो। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में फरमा रहे थे, लोगों, अस्सला सला सला, नमाज 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 की पाबंदी करना, नमाज तुम कभी भी मत छोड़ना। बहुत सारे लोग हैं अपने घर में बैठे हुए, दुनिया में घूमते, हर जगह तो जा सकते हैं लेकिन वो मस्जिद में नहीं आ सकते। नबी की आखिरी बातें उनको याद नहीं है और कहते हैं रग रग में है नबी नबी, लेकिन मेरे भाइयों, वो नमाज पढ़ता है, कभी कभी जुमे जुमे की नमाज पढ़ लेता है और समझता है कि अपने नबी को बहुत ज्यादा मानता है। जो 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाता है, मेरे भाइयों, ना वो फजर की नमाज पढ़ता है, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा, सिर्फ नबी की आमद की मरहबा कह लेने से नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं होता। नबी ने अपनी जिंदगी में कभी अपनी विलादत का जश्न नहीं मनाया। सहाबा कराम जो नबी की एक जबान पे अपनी जान को कुर्बान कर लिया करते थे, उन सहाबा ने कभी नबी का जश्न नहीं मनाया। तबा तबईन ने कभी नबी का जश्न नहीं मनाया, पैदाइश का कभी जश्न नहीं मनाया। सहाबा कराम के बाद तबा तबईन, और उसके बाद अइम्मा अरबा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम हंबल, इन लोगों ने भी कभी जश्न नहीं मनाया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल है,
नबी की आमद भैया जैसा नहीं मनाते हैं। हकीकत में 12 तारीख को मेरे नबी का इंतकाल हुआ है। मेरे भाइयों, हम उस दिन किस जबान से जश्न मनाएं और कौन सी खुशी से हम केक काटें और बिरयानी तोड़ें और मुर्गा मुसल्लम खाएं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, बहुत से लोग हैं जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ उसी दिन बिरयानी और मुर्गा मुसल्लम बना करके खाया करते हैं। ये कौन से नबी की मोहब्बत है? नबी से मोहब्बत का मतलब यह है नबी की इताअत। नबी की मोहब्बत का मतलब यह है माताकुम रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, यही नबी से मोहब्बत है। वमा नहाकुम फंतहु, रसूल जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ, ये नबी से मोहब्बत है। नबी ने जो जो करने को कहा है वो तो हम करते नहीं है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। नबी ने फरमाया सच बोलो, हम झूठ बोलते। नबी ने फरमाया पर्दा करो, पर्दा हमारी औरतें नहीं कर रही हैं। नबी ने फरमाया कि जब जबान बोलो, जब तुम किसी की अमानत रखो तो अमानत में खयानत ना करो, आज अमानतों के अंदर खयानतें हो रही है। नबी ने फरमाया हराम माल ना खाओ, आज तो हराम माल ही लोग खा रहा है। कब मौका मिले कि किसी की गर्दन काट डालें और उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लें? आज हराम खोर लोग बहुत सारे पैदा हो गए। ना जाने मेरे भाई, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी और पारसा समझते हैं लेकिन हराम माल खा खा करके अपना घर बना रहे हैं, हराम माल अपनी जिंदगी के अंदर जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी के फरमानों से याद नहीं है? अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की इताअत क्यों नहीं? नबी ने फरमाया ये करो, ये करो, ये करो, और नबी ने फरमाया लोगो तुम ये कभी भी मत करना। नबी ने फरमाया शिर्क मत करना, नबी ने फरमाया गुलू मत करना, नबी ने फरमाया कि कभी तुम अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर तवक्कुल मत करना। नबी ने फरमाया आए मेरे उम्मतियो, अपनी जिंदगी में कुरान से तुम राबता रखना, कुरान की तिलावत करते रहना, कुरान को कभी भी मत छोड़ना। आज उम्मत मुहम्मदिया ने और इस उम्मत ने तमाम चीजों को छोड़ दिया है। तो मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात से जो मैंने आपके सामने रखी है। इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि नबी की जब मौत हो सकती है, नबी जब दुनिया से जा सकते हैं, तो हम और आप भी इस दुनिया से, हमें और आपको भी जाना है। अगर विश्वास और यकीन ना हो तो जाओ मस्जिद नबवी, मदीना और नबी की कब्र देखो, एहसास हो जाएगा मेरे भाइयों कि नबी की कब्र मौजूद है। नबी इंतकाल कर गए, हमें और आपको भी इंतकाल करना है, हमें और आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, ऐ नबी आपको भी मरना है, आपको भी जाना है, और जो लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं उनको भी मरना है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, दुनिया चंद दिनों की है, चंद मिनट के लिए है, चंद घंटों के लिए है, चंद साल के लिए है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी कर लो, अपनी कब्र को खूबसूरत बना लो। जिनके वालदे, जिनके माँ बाप, जिनके भाई, जिनकी बहनें दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनके माँ बाप को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा।